नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर्स स्पीक सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम पहुंचा सकें, ताकि आप स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। हम सभी जानते हैं इस समय पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है और इसे जीतने के लिए हर कोई अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, चाहे वो हम हों, चाहे वो आप हों, चाहे वो सरकार हो। सरकार भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि ये कोरोना की जंग हम सब जीत पाएँ। और इसे रोकने के लिए ज़रूरी है थोड़ी सी सामाजिक दूरी, मास्क लगाएं और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। और इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय है कोविड 19 उपचार के बाद होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जानकारी दिलवाएंगे। और यदि आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस पर कॉल करें और हमारे विशेषज्ञ से आप जानकारी ले सकते हैं। आज हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अली खान। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना की बात तो हमने बहुत कर ली कि कोरोना क्यों होता है, कैसे रोकें, कैसे बचाव करें। अब जो है कोरोना के उपचार के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, विकृति कहें या साइड इफ़ेक्ट्स कहें, ये जो उत्पन्न हो रही हैं स्थिति, जैसे एक चीज़ है ब्लैक फंगस, ये काफ़ी कुछ सुनने को आ रहा है, उसके बारे में हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है जी। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो जो अस्वस्थ मरीज़ हैं या हॉस्पिटल में भर्ती मरीज़ हैं या जिनको ऑक्सीजन लग रही है, घर पर लगा रहे हैं, उनमें से किसी को भी हो सकता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो अभी कोविड के पेशेंट में ज़्यादा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ हम दवाइयाँ ऐसी दे रहे हैं जी, इनमें कुछ ऐसे मरीजों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है जो शारीरिक रूप से वीक थे, और कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉयड हम इसमें दे रहे हैं जो अमूमन इन्फेक्शन में जनरली नहीं दी जाती जी। तो पहली चीज़ तो ये कि कुछ दवाइयाँ जो कोविड के पीरियड में हम दे रहे हैं जिससे इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाती, उसकी वजह से फंगस ग्रो हो सकती। तो ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी है नहीं जी, और वो ट्रीटेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हो क्यों रहा है जी। हाँ, ब्लैक फंगस एक तो दवाओं से मैंने बताया कि कुछ दवाएँ ऐसी दी जा रही, दूसरी चीज़ ये कि अगर एल्डरली एज ग्रुप हो तो उनमें इम्यूनिटी कम होती, उनमें इसके होने के चांसेस हैं जी। और ये देखा गया है कि एक ये थ्योरी भी आई है कि जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं जी, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई थी, काफ़ी कम शॉर्टेज हो गई थी, तो कुछ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो थी जी हाँ, उसको मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन में शिफ्ट किया गया या प्योरीफाई किया गया। तो कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है कि जो वो इंडस्ट्रियल ग्रेड की ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन में जब हमने क्लीन किया या प्योरीफाई किया, उसके लायक बनाया, हो सकता है कि उसमें फंगस आ गई हो उसके साथ जी जी जी। तो ये सब थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वक्त और लगेगा और उसके बाद इसके बारे में हम और भी आपसे जानकारी लेंगे। अभी हमारे एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते। नमस्कार जी, अपना नाम बताएं जी। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बहुत अच्छा सवाल कहा आपने निशा साहब। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एक बार कोरोना हो जाता है जी, तो हमारे उमेश भाई ने पूछा कि उसको दोबारा होने के चांसेस होते हैं क्या। तो ये देखा गया है कि एक बार किसी को कोरोना अगर हो जाए तो उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो मिनिमम 3 महीने तक रहती हैं जी। तो ये पक्का है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसको 3 महीने तक नहीं होना चाहिए, या 3 महीने का पीरियड उसके लिए सेफ माना जाता है जी। तो 3 महीने तक का तो है, लेकिन
उसके बाद 3 महीने के बाद आप सेफ नहीं हैं। हो सकता है कि वो जो एंटीबॉडी आपकी बनी हो वो कम हो जाए या शिथिल पड़ जाए या किसी और वजह से इम्यूनिटी कम हो जाए, तो दोबारा कोरोना हो सकता है जी। तो 3 महीने तक का अभी तक के रिसर्च में पता चला है कि दोबारा कोरोना 3 महीने तक नहीं होता है, 3 महीने के बाद इसके चांसेस हमेशा रहते हैं जी। और इसीलिए जोर भी दिया जा रहा है कि आप निश्चिंत ना रहें, आप जो है सामाजिक दूरी का पालन करते रहें, आप मास्क लगा कर रखें और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते रहें जी। और डॉक्टर साहब, इससे पहले हम कारण जान रहे थे ब्लैक फंगस के, आपने बताया भी, तो डॉक्टर साहब लक्षण क्या है, कैसे कोई जानेगा कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है? ये देखिए, एक अमूमन तौर पे एक आम इंसान तो नहीं जान सकता, उसको मुश्किल है क्योंकि इसको देखना पड़ता है और एग्जामिनेशन में पता चलता है कि ब्लैक फंगस है तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखते हैं सॉरी, और उसकी जांच होती है फंगस की और पता चलता है कि फंगस ग्रो हो रही है जी, तो उसका इलाज किया जाता है। तो एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल का मामला है, लेकिन इसमें जो सिम्टम हो सकते हैं वो हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग सकती है, इस तरीके के सिम्टम हो सकते हैं जी। अगर किसी को कोविड हुआ है और वो रिकवर कर रहा है और पता चला फिर से बुखार अगर आ रहा है जी, तो उसको फिर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसकी फिर से जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, पहले बुखार आके ठीक हो गया कुछ दिन तक, फिर से दोबारा से हाई ग्रेड फीवर अगर शुरू हो जाए तो जाँच किए करेंगे और उसके बाद जांच से पता चलेगा जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी भरत जी, जी हाँ जी भरत जी, पूछिए। नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोविड-19 के बाद हमारे शरीर में ऐसा कौन कौन से बीमारी आ सकता है और यदि आता है तो क्या पुनः भर्ती होना पड़ेगा या फिर सही इलाज कराने से ठीक हो जाएगा? जी भगत जी, बस हम इसी पर चर्चा अभी कर रहे थे, अभी आप लगातार यदि हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो हम इसी पर अभी डॉक्टर साहब से जानकारी ले रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर साहब एक बार फिर से संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, अगर आपको हृदय रोग से आप पहले से ग्रसित हैं तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये देखा गया है कि जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं उनको कोविड अगर हो जाए तो उनमें कभी कभी हार्ट फेलियर के सिम्टम आने लगते हैं, सांस ज़्यादा फूलने लगती है, पैरों में सूजन आ जाती है जी। कुछ लोगों को जैसे बताया कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, मैंने बुखार आया ठीक हो गया, ठीक होने के बाद दोबारा से बुखार अगर आ रहा है, तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर से संपर्क करें और देखें कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया या कुछ हृदय रोग और उससे प्रेसिपिटेट तो नहीं हो गया। तो हृदय रोगियों को या एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, मतलब अगर बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है 70-80 साल की, उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है जी। डॉक्टर साहब हृदय रोग की बात चली है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनको हृदय रोग का खतरा काफ़ी बढ़ गया है जी, तो क्या ये सच है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें, एक तो वो लोग हैं जिनको पहले हृदय रोग था और उनको कोविड हो गया, तो ये तो वो लोग हैं जिनको पहले से था, तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर वो किसी हृदय रोग की कोई गोली खाते थे जी, जैसे कि ज़्यादातर लोग एस्पिरिन की गोली खाते हैं या इकोस्पिरिन की गोली खाते हैं या और एंटीप्लेटलेट खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, तो उनको तो अपनी गोलियां खाते रहना है जी, क्योंकि उनको हृदय रोग में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक ग्रुप तो वो हो गया जिनको कि हृदय रोग पहले से था और कोविड हो गया, तो उनको अपनी गोलियां नहीं छोड़नी है, साथ में कोविड की गोलियां खानी जी। दूसरे वो लोग हैं जिनको पहले कभी हृदय रोग नहीं था, स्वस्थ थे जी, लेकिन देखा यह गया है कि उनको जब कोविड के इन्फेक्शन के दरमियान उनके हृदय की जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनमें क्लॉट जम जाता है जी, क्लॉट जो मैंने खून का थक्का जम जाता है, या पैरों में की जो नसें होती हैं, जो वेन होती हैं, शिराएँ होती हैं, उनमें खून का थक्का जम जाता है जी। तो जो खून का थक्का जमना जो है, ये देखा गया है कि कोविड
के मरीजों में कुछ ज़्यादा हो रहा है जी, और अगर वो हृदय की धमनी में जम जाए तो हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो उसका इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है, और उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये वो लोग हैं जिनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ये हैं, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पैरों में सूजन आ जाने या खून का थक्का पैरों में जम जाने के चांसेस है, तो उनको खून को पतला करने की कुछ गोलियां दी जाती हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं, जिनको आप घर पे बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते जी हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो हृदय रोगियों को ज़्यादा केयरफुल रहना है, और बाकी लोगों को भी केयरफुल रहना है कि अगर सांस ज़्यादा फूलने लगे तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है जी। डॉक्टर साहब, हम वैक्सीनेशन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात हम इसके बाद करेंगे जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी? हाँ सिन्हा जी, पूछो क्या सवाल है। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आप कितने दिन तक के रह सकते हैं? जी सिन्हा जी, डॉक्टर साहब आपने पहले भी इसको बताया है जब आपको, वैसे फिर भी सिन्हा जी ने प्रश्न ये पूछा कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कितने दिन हम सेफ रह सकते हैं। अच्छा, देखिए कोरोना वैक्सीन की जो अभी तक रिकमेंडेशन है जो सरकार की तरफ से आई हैं या कंपनी की रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से हमारे पास दो वैक्सीन अभी अवेलेबल है, तीसरी अभी शुरू होने वाली है जी। दो, एक भारत सरकार का है कोवैक्सीन जी हाँ। और दूसरा हमारे पास कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट की जी। दोनों की ही रिकमेंडेशन ये है, और भारत सरकार की भी, कि आपको दो डोज लगानी है जी हाँ। ये देखा गया है कि पहली डोज लगाने के बाद, मैंने 20 से 25 दिनों के बाद, आपको बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी बनती है, और दूसरी डोज लगाने के बाद वो एक बूस्टर के जैसे काम करती है, और पहली और दूसरी डोज के बीच में जी कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है टाइम का, लेकिन समझ लीजिए आपके अभी के रिकमेंडेशन में 2 से 3 महीने, मतलब 8 से 12 हफ्ते के बीच में आपको सेकंड डोज लगानी जी। इस दोनों वैक्सीन लगने के बाद तकरीबन 70-80% चांस ये रहता है कि आप सेफ हैं जी हाँ। 100% देखिए नहीं है। दूसरी चीज़, सिन्हा साहब ने ये पूछा कि हम दोनों वैक्सीन लगने के बाद कितने दिनों तक सेफ है जी। सिन्हा साहब, ये अभी तफ्तीश का मामला है, रिसर्च चल रही है कि एक बार अगर हमको दोनों डोज लग जाए तो हमारी बॉडी कितने दिनों तक या कितने महीनों या साल तक के इससे प्रोटेक्शन देगी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के जो भी ट्रायल्स हुए हैं या दूसरी वैक्सीन पे हुए हैं, जैसे फ्लू वैक्सीन पे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पे होता जी, तो उसके हिसाब से ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं ये ज़्यादातर टाइम 1 साल के अंदर इनको फिर से लगाना पड़ता है जी हाँ। तो हर साल मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी इसका कोई रिकमेंडेशन या गाइडलाइन नहीं आई है जी, कि हमको दो वैक्सीन लगाने के बाद कितने दिनों के बाद हमें लगाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे शायद हमें साल में एक बार ये वैक्सीन हर एक को लगानी पड़ेगी अगर इसे रोकना है तो जी। इस पर रिसर्च जारी है जी। और कितने दिन सेफ हैं ये, आप जब तक आप सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, आप सेफ रहेंगे जी। और सरकार के दिशा निर्देशों का जो पालन है वो हम सबको करना पड़ेगा, तभी हम सेफ रह सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अभी हम चर्चा जारी रखेंगे, पहले देख लेते हैं संदेश। कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे भलवान भी नहीं टिक पाएगा,
पर बचने के उपाय हैं समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में सवाल भी आया था, और हम ये डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत सरकार की ओर से जो वैक्सीन आए हैं, और हमारे देश में अभी फ़िलहाल कितने प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं और वो कितना सेफ़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है या भ्रांतियाँ कह लीजिए, कोई कहता है कि हमें ये वैक्सीन सेफ़ लग रही है, तो ये हम थोड़ा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास इस वक्त अभी हिंदुस्तान में दो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए थे अभी तक, जिनमें से एक कोवैक्सीन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और दूसरा जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ कोविशील्ड है। उसके अलावा भारत सरकार ने अभी एक तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक वी जो रशियन मेड है उसको भी अपने उसमें डाला है कि ये भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी। रह गई बात कि कौन सा वैक्सीन सबसे अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो तीनों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं, इनमें कोई शक नहीं है, किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ढंग का कोई डाउट नहीं है। तीनों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 70-80% दोनों हमारे हिंदुस्तान के जो वैक्सीन है वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्ते, जी जी कुर्रे जी, पूछिए सवाल क्या है आपका। जी अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा कुर्रे साहब आपने कि मुझे सेकंड डोज लगानी है नहीं लगानी, मुझे पहले डोज के बाद ये प्रॉब्लम हो रही। देखिए, कोई भी वैक्सीन अगर हम लगाएंगे किसी भी ढंग का, जब हम छोटे थे या आपने अगर इतने बड़े हों कि आपके अपने बच्चे हो, तो हमने अपने बच्चों को सबको वैक्सीन लगाया और वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा दर्द ज़रूर होता है जो नॉर्मल है। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बुखार हो रहा है, सर्दी लग रही है, वीकनेस लग रही है, तो बिल्कुल मत घबराइए, ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उस वैक्सीन को रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बन रहे हैं जी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से आप एक पैरासीटामोल की गोली आती है 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की, वो आप लेंगे एक या दो दिन अगर आप लेंगे उसे, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा डोज ज़रूर लगवाइए, और बिना दूसरा डोज लगाए आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। तो जिन भी लोगों ने पहला डोज लगाया है और थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा डोज ज़रूर लगाएं। और आप, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जी, वैक्सीन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम या ज़्यादा आज तक किसी को नहीं हुआ, कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ जी, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, किन व्यक्तियों को नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन? देखिए, अभी तक के जो रिकमेंडेशन हैं हमारी सरकार की तरफ से या और दूसरे बॉडीज़ की तरफ से, उसके हिसाब से प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, अगर आप गर्भवती महिला हैं जी, और मतलब मिडल ऑफ प्रेगनेंसी में है, तो नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ एज, अभी तक के ये जो वैक्सीन्स हैं इनका ट्रायल 15 साल से कम के बच्चों पे नहीं हुआ है, इसलिए कह नहीं सकते कि इसका क्या असर बच्चों पे होगा। इसलिए सरकार ने अपने सेफ पॉइंट रखते हुए ये कहा है कि भाई हमें वेट करना चाहिए, और जब इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे तो शायद बच्चों में लगे, लेकिन आज की डेट तक 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को नहीं लगा रहे हैं जी, जिसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ता। तो गर्भवती महिलाएं हो गई और बच्चे हो गए, अगर आपको बुखार है किसी और वजह से जी, हाँ किसी और, तो बुखार के दरमियान ना लें, या कोई बीमारी अगर है आपको तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, पूछें और उसके हिसाब से लें।
तो अगर आपको बुखार है या कोई और बीमारी तो फिर नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी जी लगता है उनका है कॉलर है हमारे साथ। हेलो हाँ जी क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी वर्मा जी पूछे क्या सवाल है आपका। पहली वैक्सीन दिया है सर, इसका हाथ सूजन हो गया है। जी इसका उपाय क्या है सर? अच्छा वैक्सीन लेने के बाद हाथ में सूजन आ गई है, तो देखिए हाथ में अगर सूजन आ गई है तो घबराइए मत बिल्कुल भी। आप उसको जो आइस होता है या बर्फ होता है उसको कपड़े पे लपेट लीजिए, उससे थोड़ा सिकाई कर सकते हैं पहली चीज़ जी। दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया कि पैरासीटामोल की गोली फ्रीली अवेलेबल होती है जी हाँ। जो क्रोसिन के नाम से मार्केट में मिलती है या कैल्पोल के नाम से मिलती है या डोलो के नाम से मिलती है, 500 से 650 मिलीग्राम की आप गोली दीजिए। उसे सुबह शाम भी दिया जा सकता है, 2 या 3 दिन तक आप देंगे उसको, आइस फोमेंटेशन करेंगे या ठंडे उससे सेकेंगे तो मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब अभी दूसरी वेव और तीसरी वेव की हम बात करें, बच्चों को कितना खतरा है? अभी दूसरी वेव तो चल रही है जी हाँ, तो दूसरी वेव से तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और हम जैसे एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी वेव आएगी, तो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। वजह यह है कि तीसरी वेव को रोकने के लिए हमारे पास आज की डेट पे सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। ये देखिए ये साइंटिफिक प्रूवन डेटा है कि जब 60 से 70% लोग को वैक्सीन लग जाता है या उनको बीमारी हो जाती है तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब भीड़ की इम्यूनिटी होती है जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर 60 से 70% लोग या तो इन्फेक्ट हो जाएं माने बीमारी से ग्रसित हो जाएं या उनको वैक्सीन लग जाए तो ये बीमारी रुक जाएगी जी। तो आपकी जो तीसरी वेव आएगी या आने का अंदेशा है वो सिर्फ इसलिए है कि हम पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, लेकिन अगर हमने तीसरी वेव आने से पहले वैक्सीनेशन लगा लिया जी। और एटलीस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन इससे कवर हो जाए तो ये तीसरी वेव नहीं आएगी। जो ये कहा जा रहा है कि भाई बच्चों में आएगी तो बात बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर है जी, क्योंकि अभी हम बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बीमारी अभी बच्चों में देखी भी नहीं गई है जी, तो जब वैक्सीन नहीं लगेगा बच्चों को और उनको बीमारी पहले नहीं हुई है तो वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे, उन्हीं को बीमारी होने के चांसेस रहेंगे जी। तो बिल्कुल सही है, और तीसरी वेव रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, वो है वैक्सीनेशन जी, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्ते जी जी पूछिए क्या सवाल है। एवन जी हमने अभी अपने कार्यक्रम में बताया था लेकिन डॉक्टर साहब एक बार फिर मैं फिर से बता देता हूँ। एवन जी देखिए ऐसा है कि ये ब्लैक फंगस जो है ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होता था। बहुत ज़्यादा संक्रमित जो लोग होते हैं उनमें कुछ दवाइयाँ अगर ऐसी दे दी जाएँ जिससे इम्यूनिटी कम होती तो ये हो सकता है। रह गई बात लक्षण की, तो लक्षण सिर्फ यही होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पहले बुखार आ रहा था कोविड की वजह से और ठीक हो गया, लेकिन सडनली उसको फिर से हाई ग्रेड फीवर आने लगे, बुखार ज़्यादा आने लगे, 102-103 होने लगे जी, फिर से बॉडी में कपकपी आने लगे या और कुछ इस तरीके से वीकनेस लगने लगे, तो उनको दिखाना पड़ेगा और उसको डॉक्टर देख के है उसको निकाल के उसको एग्जामिनेशन करके कल्चर करके या उसको और स्लाइड बना के देखेंगे और उसको कंफर्म करेंगे जी। अच्छी चीज़ ये है कि इसका इलाज संभव है, इसकी दवाइयाँ भी हमारे पास हैं जो सालों से हम ले रहे हैं जी, मतलब अवेलेबल हैं और आईसीयू में या इंटेंसिव केयर के जो यूनिट्स होती हैं बहुत कॉमनली ये दवा यूज़ होती है, तो इससे घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा हमें उसके लिए सचेत रहना है, केयरफुल रहना है बस जी। डॉक्टर साहब इससे पहले आपने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सरकार के दिशा निर्देश है सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, तो मास्क के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मास्क किस प्रकार से लगाना चाहिए ताकि व्यक्ति सेफ रहे। देखिए मास्क कई किस्म के मास्क अवेलेबल हैं जी, जैसे आपने लगाया हुआ मास्क इसको हम लोग ट्रिपल लेयर मास्क कहते हैं या सर्जिकल मास्क है जी, है ना, तो
इससे कुछ प्रोटेक्शन होता है और एक आम इंसान के लिए सफिशिएंट रहता है जी। जो मैंने लगाया है मास्क, ये N95 मास्क कहलाता है। N95 मास्क इसलिए कहलाता है कि ये एक स्पेशलाइज, इसमें लेयर्स होती हैं, पाँच चार या पांच लेयर्स होती हैं जो वायरस को अंदर घुसने से रोकती हैं जी। और ये महंगा भी आता है, इसलिए सबको लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हम लोग एज ए डॉक्टर, हम लोग मरीजों के साथ में बहुत देर बैठते हैं, उनको ICU में जाके देखते हैं, ये और वहाँ बहुत हाई चांसेस रहते हैं। वायरस भी पार्टिकल जो वायरस के होते हैं वो हवा में बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए डॉक्टरों को, ख़ास तौर से वो डॉक्टर जो कि कोरोना के मरीजों को देख रहे हैं, N95 मास्क लगा जाते हैं जी। एक आम इंसान के लिए आप सिंपल मास्क लगा सकते हैं, ट्रिपल लेयर ये लगा सकते हैं, N95 अगर आप क्लिनिक पे मरीजों को देख रहे हैं या हॉस्पिटल में देख रहे हैं। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते सिंपल मास्क, तो आप कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको एटलीस्ट दो बार या तीन बार उसको फोल्ड करके रखेंगे तो कम से कम चांसेस होने वायरस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मास्क जब लगाते हैं तो उसमें कहीं पे भी हवा या वायरस घुसने की जगह नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा मास्क है पूरी तरीके से टाइट है जी, चारों तरफ से, तो जो बाहर से हवा आ रही है या उस हवा के साथ ही, ड्रॉपलेट के साथ ही मिलके वायरस हमारे नाक या मुंह से अंदर जाता है जी। तो उसको कुछ लोगों को मैंने देखा मास्क ऐसा लगाते हैं, ठुड्डी के नीचे रख लेते हैं जी, कुछ लोग गले में टांग लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं जी। वो दिखाना है, अगर आपको सही में बचना है तो आप सही मास्क लगाइए, एटलीस्ट ट्रिपल लेयर जो ऐसा आपने लगाया, नहीं तो आप घर में मास्क बनाइए, एटलीस्ट डबल लेयर का मास्क बनाइए, ट्रिपल लेयर का मास्क बनाइए और उसको टाइट फिट रखिए, जिससे आपके नाक और आपका मुंह दोनों ढके होना चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, कोरोना से कैसे बचें, कोरोना संक्रमण को कैसे हम काबू में रख सकें, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पिछले 1.25 साल से मैं समझता हूँ, जब से हमारा फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च 2020 से, और उसके पहले से भी रादर, जब से जनता कर्फ्यू हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस दिन से हम लोग बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, और बार बार एक ही चीज़ बोलने की वजह ये रहती है कि उस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, लोग उसको पहले कुछ दिन फॉलो करते हैं, बाद में फिर रोक देते हैं जी। पहली चीज़ तो ये जो पहले ही बोली गई कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जी, वो हमें मेंटेन, देखिए आप और मैं बैठे हैं जी, हमने बाकायदा डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है जी, मास्क भी लगाया है। दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जो बीमारी है सिर्फ एरोसॉल से या ड्रॉपलेट से, एरोसॉल मतलब हवा में जो पार्टिकल होते हैं उससे, या ड्रॉपलेट जो होती है उससे। हमारे पास समय बहुत ही कम है, आप एक लाइन में आप संक्षेप कर सकते हैं? देखिए ये तीनों चीज़ें हमें करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सैनिटाइज करते रहना हाथ, ये तीन चीज, और साथ में वैक्सीनेशन जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।